हेलो रीमा जी, बन गया आपका? बना रहे हो आप अभी? प्लीज कमेंट। हाय, फाइव पीपल आर देयर। ओके, बनाइए जल्दी जल्दी अभी। अभी ऐसे अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है तो आप पूछ सकते हो, अभी हो जाएगा, बता पाऊंगी मैं। वेलकम रुचि, हाउ आर यू? ओके, डिजाइन किट्स। सही है सही है। अभी इस बार लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कत भी हो रही है ना, स्कूल्स भी नहीं है और पढ़ाना भी है घर में सारा टाइम। सो जिन जिन लोगों ने बनाया, अगर सब लोग गोल्ड फॉइल से बना रहे हैं तो गोल्ड फॉइल स्टिक करने के लिए हमको ये ग्लू लगाना होता है। आई विल टेल यू द ऑल्टरनेटिव ऑफ द ग्लू ऑल्सो एंड इट्स प्रोज एंड कॉन्स ऑल्सो, कि हम वो ऑल्टरनेटिव ज्यादा प्रेफरेबल मैं क्यों नहीं यूज करती हूँ। इफ यू वॉन्ट टू यूज यू कैन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। वैसे मैंने इसके पहले भी एक वीडियो शेयर किया था गोल्ड फॉइल स्टिकिंग के लिए, तो उसमें भी बताया था कि क्यों नहीं हम ये यूज कर रहे हैं और क्यों हम ये ग्लू यूज कर रहे हैं। बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, अगर आप एक दो ही पीस बना रहे हो तो उसके लिए ये इतना महंगा यानी अफोर्डेबल नहीं रहेगा वो उतना। सो इट वुड बी बेटर दैट वी शुड बाय दिस इमल्शन, सॉरी नॉट इमल्शन, इनेमल पेंट आता है एक। सी दिस इज, ये है इनेमल पेंट, एशियन पेंट्स का इनेमल पेंट है, दिख रहा है आपको? प्रीमियम इनेमल, ग्लॉस इनेमल ऐसा लिखा हुआ है इस पे। ये महंगा नहीं होता है, ये सस्ता होता है, कुछ 50-60 रुपए का आता है शायद, आई डोंट नो। हाँ, 44 इसके ऊपर प्राइस है। सो यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो, बस इसका एक ही ड्रॉबैक है कि आपको इसको भी सेम ऐसा ही है जैसे हम ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगा के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए मतलब अप्रोक्सीमेट 15-20 मिनट्स तो आपने रखना ही है। और ऐसा कुछ नहीं कि 15-20 मिनट्स के बाद अगर आपने बहुत देर तक रख दिया तो बाबा ड्राई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस ग्लू रिमेन्स एक्टिव फॉर द 24 आवर्स, तो आप एक दो घंटे में भी अगर वो काम कर लेते हैं तो भी हमारा कोई लॉस नहीं होने वाला है उसके अंदर। बस मेक श्योर कि आप ये ग्लू प्रॉपरली लगाएं। द सेम इज ट्रू फॉर इमल्शन, बट इमल्शन का जो एक्टिवेशन टाइम है वो इतना नहीं होता है, एक दो घंटा नहीं होता है। 20 मिनट्स के बाद आप इमिजिएटली, हाफ एन आवर के बाद ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो लगा सकते हो ग्लू, सॉरी
emulsion. I don't know. This is not emulsion. It's an enamel paint. Sorry. It's an enamel paint. You can see it once again. Acolite लिखा है इस पे. Asian paints का है ये. और ये 44 rupees का है छोटा सा. This much is sufficient. I don't know whether इसे छोटा भी मिलता है क्या. But अगर मिलता है तो आप वो भी ले सकते हो क्योंकि इसमें ही बहुत सारा हो जाता है. ये येल्लो गोल्डन येल्लो कलर में रहता है और बस आपने उसको लगाना है अपने इस पे. आधे घंटे के लिए छोड़ना है 20 मिनट के लिए एंड देन यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग ओवर इट. सो दिस इज द वे. मैंने सोचा था कि मैं इसको ग्लू लगा के रखूंगी लेकिन वॉज बिजी स्टक इन सम वर्क तो नहीं रख पाई. सो अभी कर रही हूँ. ये एक ग्लू का है. आई वॉज बिजी इन मेकिंग दिस वन. फर्स्ट लेयर डला है इसका. होप आप अच्छा लग रहा होगा. फेस का फर्स्ट लेयर डला है अभी. आज ही किया है. सो वॉज बिजी. और पता है फेस बनाते वक्त इतने खो जाते हैं ना कि फिर टाइम का ध्यान ही नहीं रहता. सॉरी फॉर द लेट ऑल्सो. मुझे पता ही नहीं चला कब 4 बज गए एंड सडनली आई एम लाइक ओके 4 o'clock हो गया करके. सो इफ यू आर लाइकिंग इट प्लीज शो मी सम लव बाय सेंडिंग लाइक्स और कमेंट समथिंग. वॉइस इज क्रैकिंग. ओके ओके थैंक यू रीमा जी. सो अभी ठीक आ रहा है आवाज. अभी आ रही है आवाज प्रॉपर. सो मैं इतने ही पोर्शन को अभी लगा के छोड़ देती हूं. ये ग्लू लगाने का एक भी सिंपल तरीका है. जस्ट टेक अ ब्रश सिंपली. डोंट ऐड वाटर इन दिस ग्लू. नो नीड टू ऐड वाटर. आप इसको सीधा डिप करिए और एकदम फाइन लेयर जो है वो अपने इस पे लगा लीजिए जहां जहां पर डिजाइन है. मेक श्योर कि डिजाइन के अलावा किसी और दूसरी जगह पे आप ये ग्लू ना लगाए. या अगर आप ये इमल्शन दिस इज इनैमल. अगर आप ये इनैमल भी लगा रहे हैं तो इसके लिए तो और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है बिकॉज इट इज येल्लो ग्लॉस इनैमल. ये येल्लो कलर की होती है. तो अगर आप इसको अपने डिजाइन के अलावा किसी और सरफेस पे लगा देते हो तो इट विल लुक येल्लो. यानी कि हमारा डिजाइन हाईलाइट नहीं होगा फिर. सो इट्स बेटर कि आप बहुत ध्यान से मैंने ब्रश लिया है. ये आई गेस 6 नंबर का है. राउंड ब्रश है. आप 4 नंबर का ले सकते हो और जो एकदम और भी बारीक एरियाज है उसके लिए आप 2 नंबर 1 नंबर. नहीं हो रहा है तो यू कैन टेक 0 नंबर्स आल्सो. बट मेक श्योर कि डिजाइन के अलावा किसी भी दूसरी जगह पे आप इनैम. आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस ना मैं बार बार भूल जा रही हूँ. ओके नहीं इनैमल इज दिस. आप ये इनैमल भी अगर लगा रहे हो तो उसको भी प्रॉपर जगह पे लगाइए. और अगर आप ये ग्लू भी लगा रहे हो तो भी इसको आप प्रॉपर जगह पे लगाइए. क्योंकि क्या होगा इनैमल तो ठीक है ड्राई हो जाएगा तो येल्लो कलर छोड़ देगा. बट इफ ये अगर रह जाता है तो क्या होगा वहां पे आपका गोल्ड फॉइल स्टिक हो जाएगा और फिर आप उसको नहीं निकाल सकते. अगर एक बार ग्लू लगा है और उसके ऊपर आपने गोल्ड फॉइल लगा दिया तो आप उसको कुछ भी करके नहीं निकाल सकते. सो इन ऑर्डर टू मतलब ये मेस नहीं होना चाहिए इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो ग्लू है वो सिर्फ और सिर्फ डिजाइन पे लगाइए. इट्स ओके कि अगर कहीं पे नहीं लगता है हम लोग उसको बाद लगा लेंगे. जब हम गोल्ड फॉइल लगा देंगे और उसके बाद अगर हमको दिखता है कि भैया यहां पर गोल्ड फॉइल नहीं लगा है या पर्टिकुलर एरिया में नहीं लगा है तो अगेन अप्लाई ग्लू एंड अगेन स्टिक अ गोल्ड फॉइल. दैट वुड बी वेरी कन्वीनियंट टू डू. सो मैंने ये इतने से पोर्शन में लगाया है. इफ यू कैन सी देखो ये पोर्शन में लगाया है मैंने और ये पोर्शन आपको ग्लॉसी दिख रहा होगा थोड़ा. ठीक है जब ग्लू आप लगा दोगे ये वाला तो ये जो पोर्शन है ये थोड़ा ग्लॉसी हो जाएगा. फेविकॉल जैसे लगाते हैं ना तो थोड़ा शाइन करता है वैसे ही ये जो पोर्शन है ये ग्लॉसी हो जाएगा. एंड लेट इट ड्राई फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स. अभी मुझे हरी है तो मतलब अभी मैं 15 मिनट्स बाद लगा दूंगी. बट आपके पास टाइम है तो आप आराम से कीजिए उसको. कोई जल्दीबाजी नहीं है.
सो लाइक दैट यू कैन डू इट। और उसके बाद फिर गोल्ड फॉइल स्टिक करेंगे। अभी कुछ कुछ लोगों ने मुझे पूछा था, आई थिंक रीमा जी ने पूछा था शायद या और भी कोई है, कि zigzag lines ही क्यों। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि बस zigzag lines ही करनी है। जस्ट इज इट वॉज इन माई एक्सपेरिमेंट वेयर सी आई डोंट नो यू कैन सी इट और नॉट। दिस पोर्शन जो है, अगर आप यहां की आउटलाइन देखेंगे तो मैंने स्ट्रेट लाइंस की थी यहाँ पे, प्रॉपर जो ट्रेसिंग है उसी के ऊपर हमने कोन चलाया था, यानी कि ये प्रॉपर लाइंस की थी, एकदम प्रॉपर लाइंस, नॉट zigzag वन। एंड देन आफ्टर सम टाइम आई फाउंड आउट कि ठीक है, मैं थोड़ा zigzag करके देखती हूँ। सो रेस्ट ऑफ द पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन इज डन लिटिल बिट zigzag। zigzag मतलब एकदम ऐसे zigzag नहीं, इट्स जस्ट zigzag zigzag zigzag, थोड़ा सा जो आपका हाथ है उसको थोड़ा सा वाइब्रेट करिए। तो आई फाउंड आउट कि एज कम्पेयर टू दिस पोर्शन, मुझे ये जो पोर्शन है बचा हुआ ये ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि zigzag करते हैं, ये ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और कोई रीजन नहीं है zigzag करने का, ऐसा कोई रूल भी नहीं। अगर आपको प्लेन लाइन्स अच्छी लग रही है, स्ट्रेट लाइन्स अच्छी लग रही है, तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन बहुत सारे लोग नए भी जुड़े हैं, सो फॉर देम कि आप जाइए पीछे के वीडियोस देखिए, बोर्ड मेकिंग है, उसके बाद कोनिंग भी है, कलरिंग भी है, एंड दिस वन इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस वर्कशॉप, और इसमें गोल्ड स्टिकिंग रहेगा। सो आप जाइए वहां पर और चेक कीजिए कि कैसे किया है, और कोई भी डाउट हो, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थाई पेंटिंग, यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कुड, मतलब डेफिनेटली आई विल आंसर। सो दैट्स इट, एनीथिंग एल्स इफ एनीबडी वॉन्ट टू आस्क। तो ओके, थैंक यू रीमा जी, दिख रहा है ना प्रॉपर। सो दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने ये किया था, और कोई रीजन नहीं था। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आप गोल्ड फॉइल लगा लो तो उसके एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, एक दिन बाद, ज्यादा से ज्यादा। हाउ टू डू विथ आउटलाइनर, वृंदा जी आउटलाइनर में तो आप गोल्डन कलर के आउटलाइनर, आप गोल्डन कलर के आउटलाइनर की बात कर रहे हैं क्या? या श्योर रीमा जी, आई विल सेंड, मुझे डेफिनेटली आई विल सेंड, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, गोल्डन कलर के अगर आउटलाइनर की बात कर रहे हो आप, तो फिर आप उसमें तो गोल्डन कलर ही कर रहे होंगे, गोल्डन एक्रिलिक कलर ही फिल कर रहे होंगे, या गोल्ड फॉइल लगा रहे हो? अगर एक्रिलिक कलर ही कर रहे हो तो फिर तो उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिंपली इनसाइड वाला जो एरिया है उस एरिया में आपने गोल्डन कलर करना है, और मेक श्योर कि वो कलर बाहर ना है, दैट्स इट। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, बस द थिंग इज कि आपने, अगर आपको ऐसा शेडिंग चाहिए, अगर आपको इस तरीके का शेडिंग चाहिए एकदम प्रॉपर, तो ये शेडिंग गोल्डन कलर का करने के बाद नहीं आएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप कैनवस पे शेडिंग कर लीजिए, देन ट्रेस डिजाइन, एंड देन मेक आउटलाइन। अदरवाइज फिर आपने इतने बारीक बारीक एरियाज में जाके फाइन ब्रश से काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा लेंथी वर्क हो जाएगा। सो वो सब मैंने पहले वीडियो में बताया है, अगर आप ध्यान से देखोगे उस वीडियो को, तो मैंने वहां पे बताया है कि अगर आप लाइनर से कर रहे हो, गोल्ड कलर लगाने वाले हो, तो आप पहले शेडिंग कर लीजिए और उसके बाद ट्रेसिंग करके फिर डिजाइन बनाइए, तो आपका जो काम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और देन आई वॉज योर वॉर्निश, ये टचवुड वॉर्निश है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपना गोल्ड वर्क करने के बाद
ये वॉर्निश आती है या एनी अदर वॉर्निश, आप अगर कोई स्प्रे वॉर्निश यूज करते हो या और कोई दूसरा वॉर्निश यूज करते हो, सो इट्स वेरी मस्ट कि आप, वैसे तो हम एक्रिलिक पेंटिंग्स को भी वॉर्निश से सील करते हैं, मैं करती हूँ, ऑयल पेंटिंग्स को भी करती हूँ एंड आई थिंक करनी चाहिए भी। सो ये वॉर्निश है, आप स्प्रे वॉर्निश अगर यूज करते हो तो उससे भी, लेकिन गोल्ड वर्क पे इट्स कंपल्सरी दैट यू शुड सील द गोल्ड वर्क एटलीस्ट। द रीजन इज अदरवाइज आपका जो गोल्ड है वो काला हो सकता है। अगर वो काला हो गया तो फिर आप बोलेंगे कि बाबा हमने तो एकदम गोल्डन बनाया था, सोने सा चमकता हुआ, और फिर वो हो जाएगा काला वाला तो लुक भी नहीं आएगा और घर वाले भी बोलेंगे क्या बनाया है एक दो साल बाद, आई डोंट नो, सिक्स मंथ्स आफ्टर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप गोल्ड करें, चाहे वो कोई सा भी हो, किसी भी काम पे हो, इवन तंजोर ऑल्सो वेन यू डू, आप उसको सील करते हो वॉर्निश से। द रीजन इज कि जो गोल्ड की शाइन है वो एज इट इज रहेगी, और दूसरी बात कि शाइन के साथ साथ काला भी नहीं पड़ेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेम्बर, वेन एवर यू डू गोल्ड वर्क सील इट विथ एनी वॉर्निश, एनी वॉर्निश, यू कैन टेक एनी वॉर्निश। मेरे पास एशियन पेंट्स का वॉर्निश है, अदरवाइज आई यूज बिस्ट्रो स्प्रे वॉर्निश ऑल्सो, कैमलिन के भी है, बहुत सारे वॉर्निशेस है मार्केट में, अगर आप देखोगे तो आप वो कोई भी एक वॉर्निश लेके उसको कर सकते हो। नहीं नहीं रिमा, बिफोर अप्लाइंग, आफ्टर अप्लाइंग गोल्ड फॉइल, एक बार जब आपने गोल्ड फॉइल स्टिक कर दी, लेट इट ड्राई फॉर वन डे, वो तो ड्राई हो जाता है वैसे, बट ठीक है, उसको छोड़ दीजिए एक दिन के लिए, और नेक्स्ट डे आप उस पर्टिकुलर पोर्शन पे जहां जहां आपने गोल्ड फॉइल लगाई है, इन केस अगर आपको पूरे बोर्ड पे वॉर्निश नहीं करनी है, तो अगर पूरे बोर्ड पे करनी है फिलहाल इस पेंटिंग में, तो आप पूरे बोर्ड पे वॉर्निश कर सकते हो। सो इस पूरे बोर्ड पे अगर आपने वॉर्निश करनी है, तो सिंपली अप्लाई थिन कोट ऑफ वॉर्निश, सो दैट हमारा ये जो भी वर्क ये टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, वॉर्निश की कोटिंग हो जाएगी, उससे अंदर का जो भी है गोल्ड फॉइल व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एटमॉस्फेयर तो वो थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, वो ब्लैकिशनेस हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम उसको वॉर्निश से सील करते हैं। सो आफ्टर अप्लाइंग गोल्ड फॉइल यू हैव टू अप्लाई वॉर्निश। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस तो आप पूछ सकते हो, इनफैक्ट इसके पहले वाले जो है उसके लिए आप पूछ सकते हो, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो भी पूछ सकते हो। प्लीज शोअर सम लव, मुझे दिखना चाहिए ना कि हाँ लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग यू कैन आस्क ऑल्सो। सो दिस इज इट, जब आप ये इमल्शन नहीं क्या है ये इनैमल लगाओगे, तो इनैमल लगाने के बाद क्या होगा, इनिशियली ये चिपचिपा नहीं होता है। यस वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, इनिशियली ये चिपचिपा नहीं होता है, जब आप लगाते हो तब ये चिपचिपा नहीं होता है, फिर आप लगाने के बाद जब इसको 5-10 मिनट बाद 15 मिनट बाद जब इसको ऐसे टच करोगे तो ये थोड़ा आपको स्टिकी लगेगा लाइक ग्लू, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी जो है हमारा सरफेस वो रेडी हो गया है गोल्ड फॉइल स्टिक करने के लिए, तो फिर आप उस पर गोल्ड फॉइल स्टिक करना स्टार्ट कर सकते हो। और आराम आराम से स्टिक करिए और आजू बाजू में मत फैलने दीजिए, बाकी तो सब डेफिनेटली आउटकम अच्छा ही आएगा। अगर आप ये सारी चीजें अगर अच्छे से ध्यान में रखते हो तो डेफिनेटली जो आपका आउटकम है वो अच्छा ही आएगा। मैं थोड़े से इस एरिया में गोल्ड फॉइल लगा देती हूँ अभी, सो दैट यू कैन सी कि कैसे लगानी है। ये फॉइल है, पेपर के साथ है, लेकिन मैंने अभी खींचा तो थोड़ा सा टूट गया है। आप पेपर के साथ ही उसको उठाइए और उसको आराम से, आप कैंची से उसके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हो अगर पेपर के साथ उठाते हो, तो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। लेकिन अभी एंड सिंपली टेक दिस फॉइल एंड अप्लाई लाइक दिस।
आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमको, किसी को कहीं नहीं जाना है, और जब जाना है तब ये काम करना ही नहीं है। अगर आपने कहीं जाकर ही घाई है, आपको जल्दी है किसी चीज की, सी ये इस तरीके का फॉइल होता है। और इसके साथ ना ये देखिए पीछे में एक व्हाइट पेपर भी दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये व्हाइट पेपर भी होता है। यू हैव टू होल्ड विथ अलोंग विथ द व्हाइट पेपर, जस्ट होल्ड इट विद द सॉफ्ट हैंड्स ओनली, और जो ये आपके फिंगर में ऐसे लग जाएगा सी, और ये यहाँ पे लग गया है, तो कुछ करना नहीं है, सिंपली इसको भी हमारा जो एरिया है जहां पे हमने ग्लू लगाई है वहां पे स्टिक कर देना है। नाउ यू कैन मेक स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ इट। एक्चुअली ये सीजर ना मेरी सेलो टेप कट की हुई है, तो उस वजह से खुद ही थोड़ी स्टिक है। ओके नो वरीज, ये ऐसे उठाएंगे इसको पेपर के साथ ही, टर्न, ये निकल गया, ये ऐसे चिपक जाता है हमारे फिंगर में। नो वरीज, सिंपली जाओ और हमारा जो भी एरिया है जहां पे हमने ग्लू लगाया है वहां पे ऐसे हम आराम से इसको स्टिक कर देंगे। मेक श्योर कि जितना भी आपका एरिया है आप उससे थोड़ा सा उसे छोटा मत करिए। श्योर रिमाजी, रेजिन आर्ट आई एम प्लानिंग सून, आई विल बी विद द रेजिन आर्ट वर्कशॉप ऑल्सो, एंड दैट टू फॉर फ्री। ऐसे लगा दीजिए थोड़ा थोड़ा लेके, अभी प्रेस मत करिए बहुत ज्यादा। दिख रहा है ना आपको मैं कैसे लगा रही हूं, आई होप कि दिख रहा हो। दिख रहा है आपको? हेलो संजीवनी जी, दिख रहा है आपको? प्लीज लेट मी नो दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये हमारा जो डिजाइन है ये इतना फाइन है, लिटिल बिट अ टफ वन, थोड़ा सा फाइन है कि आप ना, अगर आपका बड़ा सरफेस है, बड़ा एरिया है जहां पे आपने गोल्ड फॉइल स्टिक करनी है, तो आप पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर साइज के पीसेस काट के भी वहां पे स्टिक कर सकते हो, बट इन दिस केस यू कैन डू दैट, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ऐसे पास है डिजाइन, तो अगर आप इतना नाम लेने के कट करने जाओगे तो इट विल एंड अप इन कहीं पे लगेगा, और जो रिक्वायर्ड सर्फेस है शायद वहां पे कहीं पे ना भी लगे। देन वॉट यू हैव टू डू इज टेक अ फ्लैट ब्रश एनी। मैं एकदम बढ़िया हूँ संजीवनी जी, आप बताइए आप कैसी हो? ओह माय गॉड, 12 पीपल्स आर हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, वेलकम, ऑल आर वेलकम। सो दिस इज, ऐसे हो गया है हमारा कुछ इस तरीके का। सो अभी आप इसको जहां जहां पे आपको तो दिखाई देता है कि जहां पे एम्बोस्ड होगा डिजाइन वो आपको दिखाई देगा, सो यू हैव टू जस्ट ऐसे प्रेस करना है, और एल्स यू कैन टेक स्पॉन्ज ऑल्सो। अगर आपके पास स्पॉन्ज है या वो भी नहीं है तो यू कैन टेक स्मॉल हैंकी, कॉटन हैंकी ले लो आप, और उस कॉटन हैंकी को फोल्ड करके इसको ऐसे अच्छे से धीरे धीरे, अगर आप बहुत जोर से ऐसे डैप करेंगे तो जो हमने फिलिंग की है उसके बीच में जो गैप्स है, दिस फॉइल इज सो डेलिकेट, तो वहां पर वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और फिर अंदर का सरफेस दिखाई देगा। अप डाउन एरिया जहां पे होते हैं वहां पे फॉइल ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। सो सिंपली एकदम लो प्रेशर के साथ
और पेशेंस के साथ। अगर आपने ऐसे ऐसे किया उसको जोर से तो नो डाउट वो स्टिक तो होगा, लेकिन बीच बीच में फिर ऐसे अर्थक्वेक आता है ना, तो कैसे लाइंस बन जाती है जमीन में, वैसे लाइंस बन जाएंगे आपके यहाँ पे। सो आप आराम आराम से इसको ऐसे एकदम आराम से, सो दैट जैसे हमने डिजाइन बनाई है एग्जैक्टली वैसा ही इंप्रेशन आए गोल्ड का भी। ठीक है, नाउ रेस्ट ऑफ दी। थैंक यू संजय जी। रेस्ट ऑफ दी हमारा वेस्ट जा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली अगेन विद अ फ्लैट ब्रश, सॉफ्ट ब्रिसल वाला लीजिएगा, हॉग हेयर नहीं, सॉफ्ट ब्रिसल वाला जो भी ब्रश है उसे आप इसको आराम आराम से बाकी का जो एरिया है वहां से ऐसे डस्टिंग करिए धीरे धीरे। देखिए आपको दिख रहा है ये नीचे गिर रहा है धीरे धीरे, जहां पे हमने ग्लू नहीं लाया है वहां का जो ये सरफेस गोल्ड फॉइल है वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। इस तरीके से अच्छे से इसका डस्टिंग कर दीजिए। देखिए आप देखेंगे तो बारीक बारीक भी ऐसे ये ड्रॉप्स जो है, बारीक बारीक पार्टिकल्स ऑफ दिस गोल्ड फॉइल आर फॉलिंग डाउन। रेस्ट ऑफ दिस स्पेसेस जहां पे भी आपका स्टिक होगा ना, आप अगर ऐसे डस्टिंग करोगे आराम से। श्योर श्योर संजीवनी जी, बिल्कुल मैं रेजिन आर्ट लेके आऊंगी अभी थोड़े दिनों में, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। थैंक यू रीमा जी, आप भी जल्दी से बनाइए एंड प्लीज सेंड मी द पिक वेदर इट इज कमिंग आउट नाइस और वेरी नाइस। सी दिस इज डन। अब होगा क्या, कहीं कहीं पे लाइक यू कैन सी, ये देखो यहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे अननेसेसरीली मेरा फॉइल थोड़ा सा लग गया है, प्रेशर पड़ जाता है तो कभी कभी वो ऐसे स्टिक हो जाता है। सो दिस एरिया और इन बिटवीन बहुत ही कम एरिया है जहां पे वो ऐसे बहुत थीन होने की वजह से, आप पहले ब्रश से पूरी ताकत लगा लीजिए। थैंक यू माया जी, पूरी ताकत, ताकत मतलब आराम आराम से वाली ताकत, ऐसे ऐसे ही करना है सिंपली हल्के हाथ से एंड इट विल फॉल डाउन। पहले तो हम इसको उठा लेते हैं। अब ये जो आपका नीचे गिरा हुआ है ये वेस्ट नहीं है, ऑफकोर्स बहुत कॉस्टली है तो हम इसको भी यूज करेंगे। गैदर इट विद द ब्रश और ये देखिए मेरा बॉक्स है, इसमें मैं ना अपना हमेशा जो भी ये बचा हुआ रहता है ये उठा के रख देती हूँ, सो दैट जो नेक्स्ट जब भी काम बढ़े, बहुत बारीक बारीक एरियाज जो रहेंगे अभी इसमें भी रह सकते हैं,
तो उसमें इसी में से निकाल के लगा सकती हूँ। ये ऐसे ब्रश से ही आपने पकड़ना है और इसको उठा के ऐसे डाल दो बॉक्स में। ये ब्रश को इजीली स्टिक हो जाता है, नहीं होता है तो हाथ है हमारे पास, लेकिन हो जाता है। सो दिस इज इसको उठा के ऐसे बॉक्स में भर के रख दो। जब ये आपको थैंक यू इसको कैसे बॉक्स में रख दो एंड देन विल कमिंग टू द पार्ट कि हमारा कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा लग गया है तो उसको हम क्या करें। ठीक है, अब दिख रहा है ये वाला एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये एक्स्ट्रा का है हमारे पास और ये यहां पर दिख रहा है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा का पार्ट है। तो इसके साथ हम क्या करें, टेक ए स्मॉल ब्रश ब्रिसल्स खराब वाला भी चलेगा, टेक अ वेरी स्मॉल ब्रश ऐसे 01 नंबर का एंड डिप इट इन वॉटर, बहुत सारा नहीं थोड़ा सा एकदम बहुत सारा नहीं डिप करना है। और ये देखो जहां पे आपका फॉइल लगा है ना वहां पे इसको थोड़ा सा ऐसे आप पानी से करिए, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा डिप करते जाइए और आराम आराम से उसको ऐसे बहुत ताकत से अगर करेंगे तो कलर का लेयर निकल जाएगा। सो आप आराम आराम से करिए, हाँ थोड़ा सा है डिफिकल्ट बट इट्स ओके, व्हेन आउटपुट इज वेरी ब्यूटीफुल तो थोड़ा बहुत तो मेहनत बनती है। See, this piece is clear. यहाँ का जो है फॉइल वो निकल गया है, जो भी एक्स्ट्रा का होगा आपका पॉसिबल कि आप लगने मत दीजिए, और अगर थोड़ा बहुत लग जाए तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, स्मॉल ब्रश लिटिल वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एंड जस्ट रब इट अ वेरी स्लाइट, बहुत ही कम, तो उससे वो जब आप उसको करोगे ऐसे बस ऐसे ऐसे Simply you have to do like this, ऐसे ऐसे आपने करना है एंड इट विल बी डन, आराम आराम से टाइम लगता है थोड़ा, सो एंड ऐसे पूरा पीस आपका बन जाएगा, एकदम फाइनल हो जाएगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप पूछ सकते हो, आराम आराम से करिए, ये बहुत ही
सी, ये यहां का चला गया पूरा, दिख रहा है आपको, एकदम चला गया। अगर आपने ये देखिए यहां पर था हमारे पास, चला गया वो पूरा का पूरा गोल्ड। अगर आपने ये करेगा ज्यादा जोर से किया तो एक्रिलिक कलर है खींच के आ जाएगा बाहर। सो केयर शुड बी टेकन, सी इट्स कंप्लीटली गॉन। और एकदम पारीक पारीक जो दिखाई देगा ना वो आपकी फ्रेम को शाइन ही देगा, बहुत फाइन फाइन कहीं कहीं अगर दिखाई देता भी है तो वो आपकी फ्रेम को और ब्यूटीफुल ही लुक देगा, बेकार लुक नहीं देगा। सो दैट इट, दिस इज ऑल अबाउट द गोल्ड स्टिकिंग, कैसे आपने फॉइल यूज करनी है, कैसे आपने ग्लू लगाना है, कैसे आपने क्या है ये इनेमल यूज करना है। बट आई एम अगेन टेलिंग यू, इनेमल यूज कर रहे हो नो प्रॉब्लम, नो वरीज, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस डिजाइन। सी आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला डिजाइन के लिए कि इफ यू हैव एनी अदर डिजाइन, आई चूज दिस वन बिकॉज आई फाउंड कि आठ ये थोड़ा चलेगा। और बहुत सारी हमने देखी थी जिसमें एक थाई इज बेसिकली बुद्धा जो है उनकी फिगर्स को शो करने के लिए थाई स्टाइल में ऐसे करते कि एक बोधी ट्री टाइप ट्री होता है और नीचे में बुद्धा उसके नीचे बैठे हुए होते हैं और फिर मतलब वो वाला डिजाइन होते हैं। सो अगर आप देखोगे तो एक फ्लावर वाला डिजाइन है, एक ट्री है जिसके लीव्स पीपल के पेड़ की तरह होते हैं कुछ कुछ, और नीचे बुद्धा बना सकते हो वहां पे उनका। सो दैट वो वाले डिजाइन होते हैं, वो डिजाइन लेस क्रिटिकल है एज कम्पेयर टू दिस। क्रिटिकल इन द सेंस क्योंकि हमने इसमें बारीक काम किया है, हमारा जो कोनिंग है ये थोड़ा बारीक है, इसका हमने नाम ही इसको दिया एब्स्ट्रैक्ट थाई, नॉट प्रॉपर थाई। सो एब्स्ट्रैक्ट थाई पेंटिंग है, इसमें हमने बहुत फाइन कोनिंग किया है, पास पास कोनिंग है, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अदरवाइज और कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। बट बनने के बाद एक्चुअली इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक। सो और अगर हमको डिजाइन करने हैं तो हम सिंपली कोई भी फ्लोरल डिजाइन ले सकते हैं इस टाइप में। आप एम्ब्रॉयडरी बेडशीट के ऊपर एम्ब्रॉयडरीज की जो डिजाइन्स होती है उनको थाई स्टाइल में कर सकते हो, या और भी टेबल मैट्स होते हैं। पहले मम्मी लोग, मेरी मम्मी भी करती थी, आई डोंट नो कि आप क्या बोलते हो, सो क्रोशिए के डिजाइन्स आते हैं, क्रोचेट क्रोचेट आई गेस, और शटल, और पता नहीं बहुत सारा है हमारे पास। तो आप अगर गूगल करोगे जस्ट यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन एंड गो विथ इट। आई एम वेरी श्योर कि आपका जो भी आउटपुट रहेगा ना वो एक्चुअली बहुत अच्छा रहेगा। जस्ट गो विद सेम टेक्निक एंड इट्स डन। थैंक यू रीमा जी, थैंक यू सो मच। सो दिस इज, इफ यू हैव, अगेन आई एम टेलिंग, इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन आस्क, अभी भी पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ सकते हो, बट प्लीज बनाइए मेरे साथ, फोटो शेयर कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी कि आपको कैसा लगा, सो दैट मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट में, और आगे मैं और कुछ अच्छा अच्छा आपके लिए ला पाऊंगी और कुछ अच्छा अच्छा आपको सिखा पाऊंगी, जो भी मुझे आता है या जो भी मैं कर रही हूं। राइट नाउ आई एम डूइंग दिस वन, सी राइट नाउ आई एम डूइंग दिस वन, कृष्णा जी है और पीछे बैकग्राउंड है, टू पिकॉक्स है जिनका कलरिंग अभी पूरा हुआ नहीं है, और ये रिलीफ में हो रहा है काम, ये रिलीफ है पूरा, ये पूरा रिलीफ है, ऊपर जो ट्री आप देख रहे हो वो रिलीफ है, ये पिकॉक में भी मैंने रिलीफ टच दिया है थोड़ा, सिर्फ यहाँ पर मैं कंप्लीट रिलीफ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, कृष्णा जी को लेयर्स किए हैं रिलीफ में किया है, बट बाकी थोड़ा पेंटिंग में जाना चाह रही थी, कुछ अलग सा बना के फ्यूजन करना चाह रही थी दो तीन स्किल्स का। यहाँ पर तंजोर स्टाइल में किया हुआ है, ये तंजोर का जो मटेरियल था मेरे पास बना हुआ, आई यूज दिस मटेरियल, तंजोर का जो मटेरियल था वो मैंने यूज किया यहाँ पे ज्वेलरी पार्ट वगैरह बनाने के लिए। सो दिस इज इट, थैंक यू।
थैंक यू रीमा जी, बस आप लोग के वर्ड्स ही रहते हैं जो मोटिवेट करते हैं हमको और अच्छा बताने के लिए और अच्छा करने के लिए. सो प्लीज लेट मी नो, प्लीज ऑल द मेंबर्स हु आर वॉचिंग और हु विल वॉच लेटर, डू मेक इट एंड डू शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी एंड शो सम लव. अपने फ्रेंड्स को बताइए, शेयर कीजिए सो दैट और भी लोगों तक ये पहुंचे, उनको भी पता चले, वो भी सीखे. सो उससे वो भी सीख पाएंगे और क्राफ्ट फैला भी पाएंगे. एंड यू नो व्हाट आई फील इज क्राफ्टिंग इज जस्ट लाइक यू नो स्ट्रेस बस्टर जैसे है. मुझे मेरा जब मूड अच्छा नहीं होता है तो आई डू क्राफ्ट. मतलब ऐसा नहीं है कि जब मूड अच्छा नहीं है तभी क्राफ्ट करती हूँ, बट वेन एवर आई एम नॉट इन अ गुड मूड मैं अपने मूड को अच्छा करने के लिए कुछ तो भी कर लेती हूँ, वेदर इट इज मंडला और आई ऑल्सो लव कलमकारी ऑल्सो. तो कुछ भी जो भी है, डोडल है, झंडैंगल्स है. हाँ रीता जी बिल्कुल, मैंने आप अगर वीडियो फिर से देखेंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा. मैंने ये ग्लू यूज किया है, ये अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, लिफिंग साइज मॉन्ट मार्टे लिफिंग साइज ऐसा नेम है कुछ इसका, एंड अराउंड 300 और 350 का कुछ इसका प्राइसिंग है. तो आप अगर अमेजोन पे देखेंगी तो आपको मिल जाएगा ये इजीली. और एल्स अगर आप उतना नहीं स्पेंड करना चाहती है, ऑब्वियसली बात है अगर आप एक दो ही पीसेस बना रहे हो तो उसके लिए आप ये भी यूज कर सकते हो. कहाँ गया इसका नाम, हाँ ये एपकोलाइट प्रीमियम एनामल. सो यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो. ये एशियन पेंट्स की पेंट्स का है और अराउंड 44 रुपीज है इसके ऊपर प्राइस. सो 40 to 50 के रेंज में ये मिल जाता है आपको. सो यू कैन सी दिस वन ऑल्सो, यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो. प्रोसीजर इज सेम, इसको भी आपने लगा के 20 मिनट तक छोड़ देना है और इसको भी आपने लगा के 20 मिनट तक छोड़ देना है. बाकी आप एक बार फिर से जब दोबारा वीडियो देखेंगी तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट द स्टिकिंग गोल्ड फॉइल्स ऑल्सो. डू चेक अदर वीडियोज ऑन माई पेज, क्ले बनाने का है. आई एम ऑल्सो कमिंग विथ सम मोर एक्साइटिंग क्ले, जो पिछली वाली क्ले से, कोल्ड पोर्सिलिन क्ले से बहुत ज्यादा बेटर भी होगी. सो विल सून कम विद दैट क्ले ऑल्सो. रिगार्डिंग दिस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ. आई एम वेटिंग इफ यू हैव एनी डाउट. थैंक यू रीता जी. सो इट्स टाइम टू से बाय बाय नाउ. बाय बाय ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल. प्लीज डू शेयर वीडियो एंड लाइक कमेंट कुछ करिए सो दैट मुझे और मोटिवेशन मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.